Assalamualaikum, वेलकम टू बैक माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? हाल चाल है? ठीक हो ना? सब खैर है। क्या हो रहा है? और आज मैं मौजूद हूँ एक कमर्शियल शूट पे, लेकिन मैं आपको सेट नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेसी है। अगर मैं सेट दिखाऊंगा तो मेरे लिए इशू हो जाएगा। बाकी शूट बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सोचा दो चार दिन हो गए आप लोगों को, मैंने कोई गाइडलाइन नहीं दी, कुछ बताया नहीं क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार बिल्कुल मतलब फारी इंसान है, उसको कुछ बताया नहीं उसके बाद। तो खैर बाकी आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये तो चलता रहेगा, अभी लोग आते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी एक शॉर्ट है, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हेलो बड़ी, वेलकम टू बैक, फिर से आ गए रे बाबा। जैसा कि भाई आप लोगों को ये तो बताया था कि अंदर हो रहा था सीन, तो मैं आपको सीन के बारे में तो बता नहीं था सकता क्योंकि सेट की वीडियो बनाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं थी आज। अच्छा, और अभी मेरा एक सीन हो गया था। ठीक है, मैं कहा पानी शानी पी लें बाहर निकल के। और आप सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की क्या रूटीन्स हैं? आप लोग कैसे मतलब क्या क्या करते हैं? और उसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि वो ये कि आज जो शूट है ना वो एक कमर्शियल है। तो जब आपको मैंने पहले ही एक बात बता दी है कि मैं आपको ये नहीं सेट नहीं दिखा सकता, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको वाकई में नहीं दिखा सकता और ना ही बता सकता हूँ कि किस चीज़ का कमर्शियल है। बाकी यह है कि मैं आपको हल्का फुल्का फिर भी जितना हो सका ना, जितना मेरे से हो सका मैं उतना दिखा दूँगा, सही है? और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और यार पहले मैंने एक व्लॉग फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया है, मुझे उसके व्यूज़ तो बहुत अच्छे आए हैं, बट चैनल सब्सक्राइब नहीं आया। तो इस दफ़ा अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट व्लॉग देखा, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोगों को व्लॉग समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और मतलब मज़ा आ रहा है व्लॉग देखने का, नई नई चीज़ें देखने का मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। चलते हैं वापस अपनी शूट की तरफ और देखते हैं कि क्या चल रहा है शूट पर। यह है हमारा पार्किंग एरिया और उसके अलावा सरप्राइज क्या, लेकिन खाली है। ये बहुत प्यारा एरिया बना हुआ है और ये कुछ बाइकें यहाँ खड़ी हैं। एक ये हॉल है जिसमें शूट होता है। और भाई ये है पुराने मॉडल की वेस्पा। भाई देखो, किसी चाचा ने पुराने मॉडल की संभाल के रखी हुई है, लेकिन क्या लश कलर है और क्या समझ लो मॉडिफाई की हुई है, पता नहीं या कार्रवाई हुई है या फिर वैसे ही संभाल के रखी हुई है, लेकिन ये लश है। और ये भाई का पेट्रोल ख़त्म हो गया भाई, ये बहुत लश है भाई, मतलब बहुत प्यारी लग रही है, एक यूनिक सी लग रही है बाइक में, सारी बाइकों में यूनिक सी लग रही है। और ये एक छोटा सा स्कूटी ये भी है, उसके अलावा हम आगे जाएंगे तो आगे जनरेटर चल रहे हैं जिनकी वजह से कटोरे 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 हो रहे हैं। आप उसकी छोड़ी नहीं, ये मेरा टीला जिसमें मैं पॉपकॉर्न बेचता था। यहाँ पे हम लोगों का सुबह नाश्ता रेडी हो रहा था, हल्का पूरी और चने, उसके अलावा क्या क्या था जिसमें भूल भी ना हो यार, चने और उसके अलावा कुछ और भी था। और ये वो जो साइड पर लकड़ी यूज़ होती है, उसके अलावा इसको कचरे में फेंक दिया जाता है। ये भी जनरेटर है, उसके अलावा ये ऊपर सीटिंग एरिया है और ये उन्होंने मतलब अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें बनानी है वो है। और एक ये सेट है जहाँ पे शूट होता है, और इसकी पूरा खुली हुई है। यार मैं आज शूट पे अकेला हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो 5:30 आएंगे, और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। और मुझे उनकी है तो वो बगैरत, लेकिन बहुत याद आ रही है। अब मुझे उनका इंतज़ार है यार, वो कब आते हैं। वो एक चीज़ मैंने देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको 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 भाई, ये शूट के लिए फिशेस लेकर आ रहा है। इसको बोलते हैं एक मिनट दिखाओ बड़ी, एक मिनट फिश दिखाओ यार, आपको दिखेगी नहीं ऐसा सही से। ये देखो, ये शूट के लिए भी फ़िश लेकर आए हैं, और इसके बाद ये इसको ना एक बॉल में डालेंगे और उसके बाद इनके साथ करेंगे शूट। बहुत शुक्रिया यार। आप लोगों में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार इसने हमें आज सेट क्यों नहीं दिखाया,
तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि यार देखें, कुछ कमर्शियल ऐसी होती हैं जिनके सेट बहुत यूनिक बने होते हैं और जब तक वो ऑन ईयर नहीं होती हम उनके सेट आपको नहीं दिखा सकते। अगर दिखा सकता तो मैं अपनी ऑडियंस को लाजमी दिखाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं दिखा सका क्योंकि उनके सेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। और उसके अलावा अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे लंच, और लंच के बाद तो फिर भाई शायद मेरा पैकअप हो जाएगा क्योंकि मेरा तो सीन हो गया, और अगर पैकअप नहीं हुआ तो फिर हरामी दोस्त आ जाएंगे, फिर उसके बाद उनके साथ मस्ती मजाक सारा ये चलता रहेगा। अभी मैं आके बाहर बैठा हूँ क्योंकि यार मैं बोर हो गया था अंदर बैठ बैठ के। मैंने सोचा यार मैं बाहर जाके अपना एक व्लॉग बना लेता हूँ ताकि मैं व्लॉग अपलोड भी कर सकूँ और ऑडियंस को एक नई शूट से आगाही भी दे सकूँ। तो हम चल रहे हैं फिर अपने सेट की तरफ, लेकिन मैं आपको सेट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अगर दिखा सका तो लाजमी, वरना जितना दिखा सका आप उतना ही देख लीजिएगा। शूट आएगा फिर तो आपने देखने देखने, क्योंकि आप लोग हो ही नहीं सकता कि सरप्राइज की शूट और आप लोग ना देखें, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि सरप्राइज सबके दिलों की धड़कन है। ये मैं जा रहा हूँ भाई अपने सेट की तरफ, और आपको जितना दिखा सकता उतना देख लीजिएगा। ये है हमारा खाना खाने का एरिया, आप लोगों को पहले बता चुका था कि खाने का टाइम है, और उसके बाद ये आ गया है मेरा खाना। और यार मेरे मोबाइल की ना बैटरी हो गई थी लो, तो मैंने सोचा यार मैं नीचे बैठ के खाऊंगा तो व्लॉग नहीं बना सकूंगा, इसलिए मैंने यहाँ चार्जिंग पे लगा दिया, तो यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ। और ये है हमारी सरप्राइज, और ये हमारा पानी। ओके फिर मिलते हैं खाने के बाद। और इनका कल भाईजान सरप्राइज का सीन लगा है कोई टाइट वाला करके, अभी इधर आओ, इधर आओ। ये भी गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है तलाल इधर आओ। ये भाई कल इनका सरप्राइज का सीन लगा है क्या वीआईपी वाला है, और ये अभी उस पर गुस्सा कर रहा है कि भाई इधर आओ फटाफट, क्योंकि ये लाइट में गोरा आता है वैसे काला नजर आता है। ये और ये दोनों भाई हैं। इसी के साथ व्लॉग का किया जाता है एंड, आज की यही अपडेट थी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट शूट पे नेक्स्ट व्लॉग। ओके अल्लाह हाफिज़।